दीदी कहाँ चली गई? दीदी डूब रही है, दीदी मरने जा रही है। नहीं नहीं दीदी, दीदी आ मेरी साड़ी। दीदी आप कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ इस दुनिया से दूर। दुनिया से दूर? लेकिन यहाँ पर तो पानी नहीं है। आगे तक जाओ तभी जा पाओगे दुनिया से दूर। वहां तक जाओ, वहां पर पानी बहुत गहरा है। आप तो चाहती हो कि मैं दुनिया से दूर चली जाऊं। ये नहीं कि दीदी मत करो मत करो, क्या हो गया पूछो तो, रीजन तो पूछो। वो क्या है ना, मैं रीजन नहीं पूछती। जिसको जाना होता है वो चला ही जाता है, और दुनिया ऐसी चलती रहती है। कौन सी बड़ी बात है, यहाँ पर कुछ नहीं रखा। अब मैं सोच रही हूँ मैं मरने का प्लान कैंसिल ही कर देती हूँ, क्योंकि जो लोग मेरे जीते जी कदर नहीं करते वो मेरी मरने की बात क्या करेंगे। अब मैं जी कर ही उनका खून पीऊंगी खूब सारा। कहाँ जाऊंगी मैं, अभी मैं उधर जाके बैठ रही हूँ, मेरा मन कर रहा पानी बैठने का, पर मरूंगी नहीं। अच्छा खासा जा रही थी, वो भी कैंसिल हो गया। हे भगवान, मुझे तो बताने नहीं चला कि मेरे पास इतना गहरा पानी है। बस ऐसे बोलना चाहिए था उधर जाओ उधर जाओ। ये तो किस्मत में सुख ही नहीं लिखा, बहुत दुख लिखा है, बहुत दुख। दीदी दीदी एक और प्लान है मेरे पास आपके लिए। क्या है? देखो अभी यहाँ पर 2 महीने के बाद बरसात होगी, 2 महीने के बाद आप यहाँ पर दोबारा आना। ये जो पानी आपको 2 फीट दिख रहा है यही पानी 12 फीट हो जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पर भी नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा आइडिया है ना, इतना अच्छा तो आप कर लो ना। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, तो चाहती है मैं डूब के मर जाऊँ। अरे नहीं नहीं एक काम करो, आपको स्विमिंग भी नहीं आती, यहाँ पर आप सीख लोगी और स्विमिंग करते करते वहाँ तक चली जाना। छोटे छोटे बच्चों को मैंने स्विमिंग करते हुए देखा था, वो भी आपकी मजाक उड़ा रहे थे कि इतनी बड़ियों की स्विमिंग नहीं आती है, और देखो हम छोटे छोटे कब से स्विमिंग कर रहे हैं। अपनी बकवास बंद करो, वहाँ पे लोग फिशिंग कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ उनके पास फिशिंग करती हूँ थोड़ी। छोटी फिश यहाँ पे भी है। अरे हाँ दीदी फिश कितनी प्यारी लग रही है, इनको किसी की नजर ना लग जाए। आप ही की नजर लगेगी, खाना चाहती हो ना इनको, चलो बाहर पानी से खाने को। अरे मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ। हाँ हाँ दिखता कितनी वेजिटेरियन है, चलो बाहर। मैं अभी जाती हूँ, बनाई सारी फिश खा जाएंगी। अरे यार मेरे तो सारे प्लान फेल हो रहे हैं, क्या सोचा था इनको दोनों टिप्स दूंगी और ये डूब मरेंगी, लेकिन मेरी तो किस्मत में ही लिखा सुख। ये तो चाहती है मैं मर जाऊं, ऐसे आसानी से नहीं मरूंगी। इतने गंदे लोग आसानी से थोड़ा ना मरते हैं, खून चूस कर ही मरूंगी। आई बड़ी नंदू मैं नंद, दिन ही खराब है आज का तो। दीदी क्या हो गया? दीदी क्या हो गया? अरे बेटा क्या बताऊं क्या नहीं हुआ मेरे साथ, तुम मेरी मदद करोगे? हाँ। सुनो मेरी बात। ओके ओके हाँ। वो रही, जाओ जाओ जाओ। अब यही तीनों कुछ कमाल कर सकती हैं, वरना तो पता नहीं क्या होगा। यहीं से देखती हूँ, करूँ ना धक्का धक्का। अरे यार ये बच्चे भी ना, खुट खुट। क्या कर रहे बच्चों? कुछ नहीं तो जाओ यहाँ से, चलो भागो। इसमें भी फेल हो गए, सुखी नहीं लिखा मेरी जिंदगी में। पता नहीं क्या करना है थे मेरे साथ। अच्छा मैंने देख लिया, ये भाभी इनको क्यों देख रही है, इनकी तो कोई चाल नहीं, पूछ के आती हूँ जरा। अरे दीदी तो उधर ही आ रही है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। भाभी? हाँ दीदी। अच्छा ये इन्हीं की चाल होगी, इन्होंने 3 बच्चे भेजे हैं, और अब देखो बेहोश होने का ड्रामा कर रही है। इनका ड्रामा था भी मैं निकालती हूँ। अरे दे भी नहीं रही है, अब पड़ी रहने दे धूप में, जब सड़ेंगी ना धूप में तब पता चलेगा। कहाँ गई कहाँ गई? हे भगवान मेरा छाता भी ले गई। उठा लो भगवान मुझे। मम्मी जी इसमें से तो पानी नहीं आ रहा। बहू अच्छे से पानी निकाल ले, बाल्टियां भरनी है सारी। आप छाता पकड़ लो। तेरी उम्र में मैं छाता पकड़ के पानी निकालती, मुझे ऑर्डर मत दे। लेकिन मम्मी जी ये नहीं हो रहा है। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, पानी निकाल फटाफट। छाता के फेंक दिया से? वो निकल नहीं रहा था ना। निकला पानी, निकला पानी, निकला पीला पीला। ठीक से निकाल, गंदा आ रहा है ये। और लगा ताकत। हे भगवान मेरी कमर दर्द हो गई है मम्मी। अभी से कमर में दर्द होने लग गया तेरे? हमारी उम्र में तेरा क्या हाल होगा? छोड़ अपने जलवा दिखाती हूँ, ले छाता पकड़। रुको रुको मैं उधर चली जाती हूँ। कैसी हो रही से भागने की, ये देख ऐसे चलाते हैं, ये देख कितना मोटा पानी आ रहा है। अभी भी गंदा आ रहा है, ठीक से चलाओ। ठीक से चला रही हूँ ये। हाँ। ऐसे चलाते हैं, देख ये देख। अरे मम्मी जी रुको 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 रुको, क्या कर रही है? अब मैं आपको बताऊंगी कि साफ पानी है या नहीं है। करो करो, गंदा गंदा, बहुत ही गंदा, उससे भी ज्यादा गंदा। अच्छा उससे भी ज्यादा गंदा। अरे कितना गंदा है मम्मी जी, पानी आप साफ ही नहीं निकाल पा रहे हो, देखो कितना गंदा पानी निकल रहा है। तू निकाल,
नहीं नहीं आप अच्छा निकाल रहे हो, आप निकालोगे तो जल्दी निकल जाएगा, मैं निकालूंगी तो रात ही हो जाएगी। देख तुझे अपना जलवा दिखाती हूँ, अच्छे से देख इन बूढ़ी हड्डियों में, देख कितनी जान है। हाँ हाँ मम्मी जी, लेकिन गंदा तो अभी भी आ रहा है, नहीं निकल रहा मम्मी जी पानी। जब मैं शादी करके आई थी ना, 15-15 बाल्टियां भरती थी, फिर भी मेरी सास मुझे गाली देती थी, और मैं कितनी अच्छी हूँ देखती, जो कुछ नहीं कह रही। ये देख ले, दिखाओ दिखाओ, अब पानी साफ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ मम्मी जी, देख मेरा जलवा, और देख मेरा जलवा, और अच्छे से निकालो पानी, देख ले कितना ठंडा पानी है। मम्मी जी बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी है, देख ले। ये मुझसे क्या करा रही है, ऑर्डर दे रही, मुझे काम करा रही है, और ये मजे में ले रही है। बहू खड़ी हो। हाँ मम्मी जी। मुझसे प्यार प्यार से सारा काम करवा रही है, बैठी हुई है। नहीं मम्मी जी नहीं, मैं उधर आ रही हूँ, तू इधर आ। हाँ पानी चलाए। हाँ हाँ अब यहाँ पे बैठ के थोड़ा, अब क्या करूँ, हेडपंप चला ले, क्या करूँ मैं, क्या कर रही थी उस टाइम से, चला अब मैं भी ठंडे ठंडे पानी पीऊंगी। अरे चला ले फटाफट, मजा ही आ गया, मुंह हाथ धो लेती हूँ, बहुत बढ़िया हो रहा है। कितनी आवाजें कर रही है। हाँ, चला रही है, प्यासी नहीं बुझ रही है, और चला, बहुत काम करा है इसने। मुझे चक्कर आ रहे, मुझे चक्कर आ रहे मम्मी जी, मैं नहीं कर पाऊंगी ये काम। चला ले चुपचाप से, नाटक मत कर ज्यादा, पानी पीने दे मुझे। हे भगवान कहाँ फंस गए, एक काम करती हूँ भाग जाती हूँ। मम्मी जी पानी पियो, पानी पियो। कहाँ भाग रही है। मैं बस वहां तक जाके देख रही थी, ये हैंडपंप कौन चलाएगा मुझे पानी पिलाने के लिए। मम्मी जी कितनी पानी पियोगे फिर आप, पूरे रास्ते टॉयलेट। कितना थक गई थी मैं, पूरे रास्ते आपको टॉयलेट आएगी। मम्मी जी मत पियो इतना पानी, तू बताएगी मुझे। मैं चला चुपचाप। हे भगवान कहाँ फंस गए, भगवान मुझे अपने पास बुला लो, भगवान बुला लो भगवान। मम्मी जी क्या कर रहे हो, मेरा छाता पकड़, गिरना नहीं चाहिए। अरे छाता नहीं गिरेगा, लेकिन आप गिर जाओगी। मैं गिर जाऊँ कोई बात नहीं, पर छाता नहीं गिरना चाहिए, पर मैं ऊपर चढ़ के ही दम लूंगी। मम्मी जी, आप बहुत ज्यादा बुढ़ी हो गई हो, नहीं चढ़ पाओगी। मम्मी जी नहीं बुढ़ी नहीं हूँ, स्कूल में मैं कितने पेड़ों पर चढ़ती थी, ये देख। अरे यार ये तो खुद गिरेंगी और मेरी भी गाँव में बेइज्जती करवा देंगे, क्या करूँ मैं, क्या करूँ भगवान कुछ तो बताओ मैं क्या करूँ। मम्मी जी रुको, पीछे आओ। हाँ बोल, पीछे दो। पकड़ो छाता पकड़ो, आप इसको पकड़ो, मैं बताती हूँ कैसे चढ़ाओगे, ठीक है। आपको पैर ऐसे रखना है और फिर ऐसे रखना है, बस चढ़ो। पागल हो गई तू, तू सिखा रही मुझे। अरे मैं दूसरे तरीका बताती हूँ कैसे चढ़ू, अगर मैं गिरी तो ये हंसेंगी और अगर ये गिरी तब मुझे मारेंगी। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, क्या सोच रही है। कुछ नहीं मम्मी जी। अरे कैसे चढ़ेगी ये, मम्मी जी यहाँ से चढ़ना बहुत मुश्किल है, एक काम करते हैं हम उधर से चलते हैं। अरे कोई मुश्किल नहीं है, तुझे चढ़ के दिखाती हूँ मैं। दिखाइए, ये देख ऐसे रखते हैं पैर, भगवान क्या, फिर चढ़ते हैं ऐसे ऊपर, ये देख चढ़ गई मैं, ऐसे चढ़ते हैं देख, ये देख, ये आजकल की बहुएं कुछ काम की नहीं है। मुझे देखो बीबी कितना दम है मेरे बाजुओं में। मम्मी जी नीचे आ जल्दी, क्या मम्मी बाहर आ गया। मम्मी जी अब ये कहाँ चढ़ गए, गिर जाओगे नीचे उतरो। अरे तेरी उम्र में थी ना मैं, ऐसी पेड़ों पे चढ़ जाती थी, बाघ भी मुझे नहीं पकड़ पाता था। पेड़ पे चढ़ के करते क्या थे, आम वगैरह खाती थी। अच्छा सुनो मम्मी जी, वहाँ पर आम हो रहे हैं, तोड़ दो। आज ना मैं आपके लिए चटनी बनाऊंगी आम की। अंधी हो गई है, यहाँ पे आम दिख रहे तो इतने इतने से तो हो रहे हैं। उन्हीं की चटनी बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है, अचार भी डाल दूंगी आपके लिए। अरे अपने सर का डालिए तो अचार, इतने छोटे आम का अचार डालता है कोई, कहाँ क्या करें। देख अभी मुझे देखियो तू, उस टहनी तक जाऊंगी और वो टहनी नहीं टूटेगी। अरे अरे कैसे बातें कर रही हो, रुको सुनो। अरे ये क्या कर रही है, वस्तुएं गिर के रहेंगी और नाम मेरा लगा देंगे। मम्मी मम्मी जी देखते जा, ये क्या कर रही है। अरे कोई भी नहीं दिख रहा आसपास, अगर ये गिरेंगी तो मोटी चर्बी को उठाएगा कौन, क्या करूं क्या करूं। इनको छोड़ के मैं भाग जाती हूँ, हाँ गिरे तो गिरे, कोई मुझे कुछ बोलेगा तो नहीं। देख देख वहां तक चढ़ूंगी मैं। मेरी हड्डी, मुझे किसी ने देखा तो नहीं। आय मां, नहीं देखा नहीं देखा, जाती हूँ। आई आई, हे भगवान अच्छा है मैं आ गई, अगर गिरती तो मेरे ऊपर इनाम लगाती कि तूने मुझे पकड़ा नहीं। थोड़ी देर सो जाती हूँ, आएंगे तो आ जाएंगे।
दूर दूर तक है तो कोई नहीं। अरे बहू तू यहाँ पे है, सो रही है क्या मम्मी जी? हाँ ये सब क्या है मम्मी जी? अरे कुछ नहीं, खेल रही थी इनसे मैं। हाँ इनसे खेल रहे थे? हाँ आप गिरे हो ना पेड़ से? पागल हो गई क्या? गिरी देख रही कितनी फिट हूँ मैं, गिरने के लिए कह रही मुझे। देख मेरा फूल सही हो रहा है? फूल तो सही है लेकिन फूल के साथ ये झाड़ी भी लगी। अरे मैं ऐसे ऐसे खेल रही थी, झाड़ी से ऐसे ऐसे खेल रही थी मैं, गिर गई। तू कहाँ भाग गई थी? मैं आपको देखती देखती भाग गई थी। चल थोड़ी देर में आराम कर लेती हूँ, ठीक है? हाँ आई। ये ऐसे क्यों चल रही हैं? पक्का ये गिरी हैं, बता नहीं रही हैं। अच्छा हुआ गिरी हैं, मैं भी थोड़ी देर सोई जाती हूँ।